आप देख रहे हैं आयसन 7 न्यूज़, मैं अजीत सिंह। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो कोरोना की तीसरी लहर की खबरें लगातार आ रही हैं, और आपको बता दें किस तरह से जो काम तो सारे खोल दिए गए हैं, फैक्ट्रीज खुल गई हैं, स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए वो सारे काम वहाँ पर हो और किसी भी तरह से कोई लापरवाही ना हो, क्योंकि तीसरी लहर अगर किसी भी तरह से आती है तो इस बार भयंकर सामना हम लोगों को करना पड़ सकता है। तो इसी के चलते जो DM सर ने आदेश दिए हैं उसके चलते हम पहुंचे हैं आज यूनिक इंटरनेशनल, जो एक ई रिक्शा का शोरूम है, एक फैक्ट्री है, उनके MD मेरे साथ हैं, राजीव गुप्ता जी। तो हम सर से जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए और प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन हो रहा है, स्टाफ उन्होंने कम किया है, किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन की है, सारी बातें हम उनसे जानेंगे। हाँ नमस्कार सर, मेरा सवाल यही है कि किस तरह से आपने देखा दूसरी लहर में काफ़ी मतलब कैजुअलिटीज भी हैं, काफ़ी डेथ भी है कोरोना से, और तीसरी लहर की जो खबर आ रही है तो किस तरह से बचाव आपने यहाँ पर काम करें? देखो सबसे पहले तो हमने अपने स्टाफ को 50% कराए और हमने जो है सैनिटाइजर मास्क वगैरह का हम वो लगा कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग जो है अपनी शोरूम में जो भी एंट्री करता है उसका टेम्परेचर उसको चेक करते हैं, अगर वो मास्क लगाए हुए है तो बहुत अच्छा है, अगर वो मास्क लगाए हुए नहीं होता तो हम लोग उसको जो है मास्क देते हैं, उसके बाद ही हम जो है शोरूम में एंट्री करने देते हैं किसी को। और अगर हम बात करें सर तो जैसे आपका स्टाफ है, पहले से स्टाफ कम हुआ है या डिस्टेंस किस तरह से मेंटेन किया? नहीं, हमने स्टाफ जो है कम किया है, करीब करीब 50% स्टाफ के साथ आज हम फैक्ट्री चला रहे हैं, है ना, हम 50% स्टाफ के साथ फैक्ट्री चला रहे हैं। तो उनमें डिस्टेंस भी है काफ़ी? हाँ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, कोविड-19 के पूरी गाइडलाइंस का हम पालन करते हैं अपने यहाँ। मैं राजीव गुप्ता, MD यूनिक इंटरनेशनल, ब्रांड नेम पैंथर ई रिक्शा, सभी देशवासियों को गंगा स्नान और नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ।